दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे जाके मोहित शुक्ला सर्च कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है दोस्तों, आपको यहाँ भी यूपी टेट सीटेट से रिलेटेड सारे वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं, तो देखना ना भूलें। धन्यवाद। आइए हम देखते हैं संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, जिसे हम भगवान के रूप में भी मानते हैं, वह है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश यानी पहला आपका संधि आता है स्वर संधि, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं, और दूसरा आता है विष्णु, अर्थात हम व्यंजन संधि हल संधि भी इसे कहते हैं। तीसरा आपका आता है विसर्ग संधि, जिसे हम विसर्ग का चिन्ह अर्थात महेश की भी संज्ञा देते हैं। तो ये आपका हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश, अर्थात स्वर व्यंजन विसर्ग। आइए अब हम देखते हैं संधि के प्रकार। जैसे स्वर संधि है, स्वर संधि आपको पांच भागों में, अर्थात ब्रह्मा के पांच पुत्र हुए, इसी तरह से विष्णु को भी छह पुत्र हुए और महेश को भी सात पुत्र हुए। हालांकि हमने चार का वर्णन किया है यहाँ, फिर आगे आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपका आता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि। ये आपके ब्रह्मा के पुत्रों के नाम हैं, जो एक परिकल्पित रूप से हमने मान रख दिया है। दूसरा आपका व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि भी कहते हैं, और भगवान के रूप में इसे हम विष्णु संधि भी कहते हैं, अर्थात इसके कई भाग हैं। अश्युत्व संधि, कुष्ठत्व संधि, जसत्व संधि और चत्व संधि, अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि। इसके बाद आता है महेश। महेश के भी सात पुत्र हुए, जिनमें हमने चार का वर्णन किया है, विसर्जनीय यश जसो रुरु अतोरो लुप्तते हश्च। इसके बाद हम आपको व्याख्या में बताएंगे। इस सबसे पहले आपका आता है ब्रह्मा यानी स्वर संधि। स्वर संधि को हम इस तरह से भी बता सकते हैं, एक ऐसा सूत्र है जिसके माध्यम से हम संधियों का भी वर्णन कर सकते हैं और इनकी पहचान भी कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं स्वर संधि। जैसे बिन चुन्नी के दीर्घ है, एक चुन्नी गुणजान, दो चुन्नी से वृद्धि है, यण की यही पहचान, और इससे जो बचे उसे अयादि जान। ठीक है, अब आप देखिए बिन चुन्नी के दीर्घ है, एक चुन्नी गुण जान, दो चुन्नी से वृद्धि है, यण की यही पहचान, और इससे जो बचे उसे अयाद जान। इस सूत्र के माध्यम से आपकी स्वर संधियां पूरी आ जाएंगी। जैसे नंबर एक आपकी आती है दीर्घ संधि, नंबर दो आपकी आती है गुण संधि, और नंबर तीन आपकी आती है वृद्धि संधि, नंबर चार आपकी आती है यण संधि, और नंबर पांच में आपका आता है अयाद संधि। ये हो गया। अब इस सूत्र के माध्यम से आपको पहचान करने में बड़ी सुविधा होगी। जैसे हमने कहा
चुन्नी, चुन्नी का मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि चुन्नी है क्या। चुन्नी वो बरसात में उड़ने वाली चुन्नी नहीं, ना तो वो पापा पाई वाला पाई है। आप देखिए हम बताते हैं आपको, जैसे चुन्नी, चुन्नी माने होता है पाई, पाई माने होता है मात्रा। मात्रा वो किलोग्राम वाला नहीं, मात्रा आपकी जो क ख ग स्वर या और व्यंजन में लगते हैं। मात्रा से मतलब है ए ऐसे, ए और ऐसे। केवल दो मात्राओं को हमें लेना है, इससे हमारे सारे पहचान आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको लेते हैं दीर्घ संधि, जिसमें कोई पाई मात्रा नहीं होती है बिन चुन्नी के। चुन्नी का मतलब आप समझ गए हैं पाई, यानी जिसमें कोई पाई मात्रा नहीं लगी होगी वो आपकी दीर्घ संधि में आएगी, और जिसमें एक पाई लगी होगी वो आपकी गुण संधि में आएगी। बिना पाई वाला जैसे विद्यालय है, वाचनालय है, अनाथालय है, इस तरह के शब्द आते हैं। और गुण संधि में, अरे आपके घरों में बहुत से ऐसे नाम होंगे, रमेश, दिनेश, महेश, सुरेश, इस तरह से आते हैं, जिनमें केवल एक पाई लगी होती है उसे हम गुण संधि कहते हैं। दूसरा है आपका दो चुन्नी से वृद्धि है, अर्थात जिसमें दो पाई लगी होगी वो वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। इसी तरह से जब हम इन सब की पहचान कर लेते हैं तो यण की भी पहचान स्वयं हो जाती है, और इससे जो बच जाता है वो हमारा लास्ट का अयाधि संधि हो जाती है। तो जैसे हमने कहा विद्यालय, संधि में दो पद होते हैं, नंबर एक प्रथम पद, नंबर दो द्वितीय पद। जैसे हमने बताया आपको विद्यालय, विद्या धन आलय, ये दो पद में बांट दिया हमने, तो इसका मतलब ये हो गया विद्यालय, ये आपकी दीर्घ संधि में आती है जिनमें कोई पाई मात्रा नहीं लगी हो। पाई मात्रा का मतलब मैंने बता दिया है ए और अ की मात्रा से केवल है, ई की मात्रा नहीं, आ की मात्रा नहीं, केवल ए और अ की मात्रा को आपको लेना है। इसके बाद हमने कहा है आपको एक चुन्नी से, यानी जिसमें एक चुन्नी लगी हो, जैसे आपका आता है रमेश, रमेश, रमेश में एक ही मात्रा लगी है, हमें इसकी पहचान मिल जाएगी कि एक मात्रा वाला जो होगा उसमें हम गुण संधि समझ लेते हैं, ऐसा हमें पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद और भी उदाहरण हैं, रमेश है, दिनेश हैं, महेश हैं, सुरेश हैं, राजेश हैं, इस तरह से अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आता है दो चुन्नी से वृद्धि है, दो चुन्नी यानी दो पाई, जब दो पाई लगी रहेगी किसी भी वर्ण में, जैसे ममैव, ममैव, सदैव, इत्यादि, इस तरह से बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसमें दो पाई लगा है, ममैव में दो पाई लगी है, इसलिए यह आपका वृद्धि संधि हो जाएगी। यण की यही पहचान, यण संधि में जब भी हम देखते, जैसे उदाहरण के लिए अभ्युदय, अभ्युदय में बीच में आपको जब भी एक हाफ शब्द मिलेगा, चाहे वो कोई भी शब्द हो, चाहे भा हो, ता हो, या रा हो, या था हो, इस तरह से उसकी पहचान हम कर लेते हैं। जैसे अभ्युदय, अभिधान यहाँ नहीं आएगा। जैसे हमने आपको बताया
ममैव सदैव। इसी तरह से आपकी यण संधि की पहचान हो जाएगी। यण संधि में जैसे अभी धन उदय, अभ्युदय, इसका मध्य में केवल भ का हाफ भाग ही रह जाएगा, इसलिए हम इसकी पहचान, या इस तरह से बहुत उदाहरण आते हैं तो उसमें केवल भ या थ या त वो हाफ वर्ण रहेंगे। इसके बाद आपका आता है अयाद संधि। अयाद संधि की पहचान के लिए सबसे पहले हम देखते हैं पहले ही वर्ण होंगे जिनमें एक ही मात्रा अवश्य लगी होती है, जैसे नैनम, नय धन अनम, तो नेय नय धन अनम, यहां यह जो शब्द है तो यहां पे ने धन अनम। अब इसमें ये जो पहला वर्ण है इसमें एक ही मात्रा लगी होती है। गुण संधि और अयाद संधि में दोनों का एक छोटा सा अंतर आपको दिखेगा। गुण संधि में मध्य में एक ही मात्रा होती है और अयाद संधि में सबसे पहले एक ही मात्रा लगी होती है। यह संधि बहुत है, जैसे तीनों की व्याख्या करना एक दिन में संभव नहीं है, इसलिए हमने आपको स्वर संधि की पूरी व्याख्या बताई। इसके बाद हम आपको सूत्रों के माध्यम से भी बताएंगे, लेकिन आज हम इतना ही बताते हैं, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे व्यंजन संधि को लेकर के। धन्यवाद।